दोस्तों इस इंटरलॉक में तीन धागा होता है। तीनों धागा का जो है धागा डालने का तरीका अलग अलग होता है। पहले तो यहाँ टेंशन से इस तरीके से यहाँ पे धागा डालेंगे, यहाँ पे इस लूपर से लगा करके यहाँ पे हम अपना स्प्रिंग से यहाँ पे हम लगाएंगे निडल्स में, यानी कि सुई में, ठीक है। और तीसरा धागा जो है दोस्तों यहाँ पे साइड में होता है, इस तरीके का धागा होता है, यहाँ पे इस तरह से फंसाया जाता है। अगर आपको प्रॉपर धागा डालना नहीं है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको प्रॉपर धागा डालना बता देंगे। इस वीडियो में हम आप सिखाना चाह रहे हैं एक साइड का धागा जो होता है, जहाँ से लूपर होता है, जहाँ पे टेढ़ा रहता है, इस साइड का ये धागा डालने लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ये जो धागा है दोस्तों ये अंदर में डालने में बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही है, ठीक है। जैसे मेरे पास भी एक कारीगर है, तो जैसे कारीगर तो मैं बताऊँगा तो डाल लेगा, लेकिन जो बिगिनर्स लोग हैं, जो नए लोग हैं, शायद उनको समझ में नहीं आता है कि वो लोग का धागा किस तरह से डाला जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डालना कैसे है बहुत तरीके से बताएंगे आसानी से। दोस्तों इसके अंदर में एक लूपर टाइप का है, ठीक है, जैसे टेढ़ा सा लूपर है, उसके अंदर में ये धागा डाला जाता है, ठीक है। तो क्या होता दोस्तों, जब इसके अंदर आप धागा डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर में जो है ना, यहाँ पे एक लूपर है, इस जहाँ मैं फंसा रहा हूँ, देखिए फंस गया है। अब इसमें लूपर में धागा हमारा फंस गया। अब यहाँ से निकालने के बाद, जब यहाँ से निकाल लिया, तब अब हमें यहाँ पे लगाना है, हमें देखिए यहाँ पे इसमें, और यहाँ से डालने के बाद इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो मेन देखिए सारा धागा तो आप डाल सकते हैं, पर ये वाला धागा जो है, ये धागा डालने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो इस धागे को इसी तरीके से आपको डालना है, इसी तरीके से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, बारीकी से आप देखिए वीडियो को। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, प्यारा से कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा धागा डालने का, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सिलाई से रिलेटिव हर एक जानकारी बारीकी से देते रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अगर सिलाई से रिलेटिव अगर हम काम कर रहे हैं, अगर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब सब कुछ आपको डिटेल में बता दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें धागा डालने का लूपर का मतलब है, अंदर में लूपर है और बहुत सारा दिक्कतें होता, तो इसको आपको संभाल के और सही तरीके से यहाँ पे डालना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको चला कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा धागा टूट चुका था, तो अब हमारा धागा जो है यहाँ पे सही चल रहा, कहने का मतलब पहले जो धागा टूटा हुआ था ना, अभी देखिए कि मस्त चल रहा और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे धागा डाल सकते हैं अंदर के साइड लूपर में, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं।